तो फ्रेंड्स गंगोत्री धाम में हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ी हमने लगा दी है पीछे पार्किंग में। इस वक्त गंगोत्री धाम में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसकी वजह से गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया गया था। अभी हम जिस पॉइंट पर हैं यहाँ पर देख रहे हैं हम कितनी सारी बाइक खड़ी हुई हैं, यानी बाइक के लिए यहाँ तक एंट्री थी लेकिन कार लेकर यहाँ तक अब नहीं आया जा सकता है क्योंकि इस वक्त यहाँ ज़बरदस्त भीड़ है। शाम के अभी 5 बजे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। और मार्केट देखिए आप, पूरा मार्केट खुला हुआ है। जब विंटर गंगोत्री टूर हमने किया था तब भी आपने यहाँ के नज़ारे देखे थे कि पूरी तरह से बंद था, लेकिन अभी मार्केट पूरा ओपन है। और हम अब तलाश करेंगे यहाँ पर एक अच्छा सा होटल रूम और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर रूम्स कैसे हैं और कहाँ पर रूम अच्छे मिल सकते हैं। गंगोत्री का मुख्य मंदिर पार्किंग से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। अब उसी रास्ते पर हम लोग मौजूद हैं। चलिए आपको यहाँ के कुछ होटल्स वगैरह दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक होटल में हम लोग आए हैं, मैं रूम दिखाता हूँ आपको यहाँ का। एक यहाँ पर 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 2 बेडरूम, इस तरह के रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ इस रूम में देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 बेड यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। तो 5 लोगों के लिए ये एक परफेक्ट रूम रह सकता है। बेसिक रूम यहाँ पर मिलेंगे आपको, लग्जरी डिलेक्स रूम किसी भी धाम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसे रूम अवेलेबल हैं गंगोत्री में। इस वक्त गंगोत्री में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। अभी हम थोड़ा और आगे आ गए हैं। पार्किंग से मेन मंदिर तक जितने भी होटल्स हैं उनके चार्जेस इस वक्त 1500 से लेकर 3000 या 4000 तक हैं। लेकिन अगर आपको इससे सस्ते होटल चाहिए तो आपको गंगोत्री मंदिर के ठीक सामने भागीरथी नदी पर बने पुल से आगे जाना होगा, वहाँ आपको थोड़े कम कॉस्ट में भी अच्छे होटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दिन अभी ढल चुका है, भागीरथी नदी पूरे उफान पर है। मंदिर के आसपास सभी होटल्स वगैरह में लाइट जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है। इस वक्त लोहे के पुल पर हम लोग मौजूद हैं और ये व्यू देखिए भागीरथी नदी का किस कदर इस वक्त उफान पर है। देख रहे हो नज़ारे, गंगोत्री धाम में मौजूद है अभी हम लोग, जबरदस्त नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। होटल्स की मैं बात कर रहा था, ठीक इसी पुल को पार करके जब आप इधर आएंगे ना तो यहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं। जनरली जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो लोग पीछे ही स्टे करते हैं, तो इसी वजह से वहाँ के होटल्स के प्राइजेस भी हमेशा ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पुल पार करके इस वाले एरिया में आएंगे ना तो यहाँ के होटल्स भी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है और प्राइस भी काफ़ी कम है। सामने जो नज़ारा देख रहे हैं ये पूरा गंगोत्री धाम है। ऊपर पहाड़ पर थोड़ी बहुत बर्फ भी इस वक्त मौजूद है और नीचे भागीरथी नदी का ये नज़ारा ना वाकई में बहुत शानदार लग रहा है। इसी सामने वाले होटल में हम लोग रूम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम रात को धाम का खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। तो भाई साहब नहा लिए, गंगा जी में नहाए, गंगोत्री में मजा आ गया। आया मजा बहुत ही, इतना मजा आया है कि पानी इतना शीतल था कि देख बदले के स्नान करके पूरा आनंद आ गया। करंट सा दौड़ गया था, 5 मग्गे 5 डब्बे पानी या 7 मग्गे पानी डालने के बाद शरीर ऐसा सूम हो जाता है कि बोलने और सुनने की शक्ति थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया। मैंने 11 डाले थे, पहले 5, पहले 6, फिर 5 और इसके बाद फिर पता नहीं लगा कहाँ है आप। और मैंने 5 डाले, 51 पूरे 13 मग्गे, 13 मग्गे डालने के बाद हाथ अब तक रगड़ रहे हैं। लेकिन अभी आज ना धूप निकल के, धूप देख रहे हो उतारोगे। चलो जी चलते मंदिर में दर्शन कर ले और आपको भी मंदिर में दर्शन करवाएंगे। नहाने के बाद एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है गंगा जी में नहाने के बाद क्या। तो फ्रेंड्स गंगोत्री धाम आज हम आपको घुमाने वाले हैं, सारे व्यूज दिखाएंगे। इस वक्त भागीरथी नदी का उफान देख रहे हो आप, कितना जबरदस्त है। तेज धूप निकली हुई है, सामने पहाड़ पर बर्फ दिखाई दे रही है। इस लोहे के पुल को पार करके मुख्य मंदिर तक जाने वाले हैं हम लोग। सुबह सुबह भागीरथी नदी में नहाने के बाद रेडी होकर हम लोग वापस से मंदिर की तरफ आ गए हैं। बाइक यहाँ तक लोग लेकर आ गए थे, ये शायद कल आए होंगे, इन्हें यहाँ तक लाने की एंट्री मिल गई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा है।
भागीरथी नदी के पास में ही काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। और ये वो घाट है जहां पर हम लोग नहाकर गए हैं और अभी भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे घाट आगे तक भागीरथी नदी के किनारे किनारे बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे से कुछ और व्यूज आपको दिखाते हैं गंगोत्री धाम के। ये वो मेन बाथिंग घाट है जहां पर स्नान करते हैं लोग, उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इस गेट से एंट्री करने के बाद सामने ही मुख्य मंदिर मौजूद है गंगोत्री धाम का। इधर हमारे राइट साइड में गणेश मंदिर और दूसरे अन्य भगवान के मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर की दर्शन की लाइन लगी हुई है, वहाँ लाइन में लगते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं, 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा और सभी लोग दर्शन कर लेंगे। लाइन काफ़ी बड़ी लग चुकी है, इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। वेदर पूरी तरह से क्लियर है, नीला नीला आसमान हो चुका है, इंटरनेट पर तो अभी भी बारिश पड़ रही है। यह है मुख्य मंदिर गंगोत्री धाम का। और अब हमारे पीछे भी ना काफ़ी बड़ी लाइन लग गई है, वहाँ मेन गेट तक लंबी लाइन लग चुकी है। तो फ्रेंड्स मंदिर में दर्शन हम लोगों के हो गए हैं, लाइन बहुत दूर तक लग गई है। मंदिर में बढ़िया दर्शन होने के बाद अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम देख पा रहे हैं कि लाइन मेन गेट से भी आगे तक पहुंच गई है। ये मुख्य मंदिर है गंगोत्री का और ठीक उसके बराबर में एक छोटा मंदिर है जो भोले बाबा का है, वो मंदिर भी आपको दिखाते हैं। अभी लाइन देखिए कहां तक पहुंच गई है, मेन गेट तक लाइन पहुंच चुकी है। और ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है शंकर भगवान का मंदिर। गंगोत्री धाम के कपाट मई में खुलते हैं और लगभग दीपावली तक खुले रहते हैं और इस दौरान 6 महीने में लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम है गंगोत्री धाम। चलिए अब आपको गंगोत्री धाम के कुछ और दूसरी जगहों पर लेकर चलते हैं। जनरली लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा गंगोत्री धाम आज घुमाएंगे। जिस जगह अभी हम लोग मौजूद हैं ये वो पॉइंट है जहां पर शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यही मुख्य स्नान घाट भी है, यहाँ पर श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। पहले यहाँ से अब हम गंगा जल ले लेते हैं। तो अभी गंगा जल और भर ले रहे हैं सब लोग, बड़ी बड़ी कैन लेकर आ गए हैं। ये वाली कट्टी पड़ जा रही है। तो फ्रेंड्स गंगा जल तो हमने काफी सारा ले लिया है, अभी आगे बढ़ गए हम लोग। यहाँ पे ना गंगा जी के साइड में लगातार दूर तक घाट बने हुए हैं, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम तो लगातार गंगोत्री धाम में चलता ही रहता है। भागीरथी नदी का व्यू इस वक्त शानदार है, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। धूप निकली हुई है तो वैली की खूबसूरती ना और भी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। सामने उधर बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ठीक उसके पीछे से ना गोमुख है। 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है गंगोत्री से, अगर आप आते हैं तो 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आइए और आप गंगोत्री से गोमुख ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह के स्टील के पिलर लगाए गए हैं घाट पर ताकि भागीरथी नदी का बहाव इस वक्त बहुत तेज है और चैन बांधी गई हैं ताकि लोग आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकें। चलिए और आगे चलते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं यहाँ के और खूबसूरत व्यूज़।
मुझे तो ये बहाव बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त जो भागीरथी नदी का उफान है ना, स्टील के ये पिलर भी उखड़ गए हैं, चैन भी टूटने लगी हैं, इतना तेज इस वक्त भागीरथी नदी का बहाव है। ऋषिकेश से गंगोत्री की दूरी करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। आने के तरीके भी बहुत सारे हैं, आप बसेस से आ सकते हैं, 700 से 800 रुपये किराया लगता है बस में जो गंगोत्री धाम ड्रॉप करते हैं। आप शेयर टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं, खुद की पर्सनल गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं, अगर आपका ड्राइविंग स्किल ठीक है, पहाड़ों पर आप ड्राइव कर सकते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े नैरो हैं, चारों धाम में सबसे नैरो रास्ते इधर के हैं, तो अगर आपका ड्राइविंग स्किल परफेक्ट है तो आप पर्सनल गाड़ी लेकर भी गंगोत्री घूमने आ सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। चला तो फिर चलो जी, चलते हैं अभी यहाँ से आगे, देखते हैं बाकी लोग कहाँ हैं। अभी हम दो हैं, बाकी चार कहाँ हैं कोई पता नहीं, कहाँ पता है ना, सब इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा, जो असली गंगा के दर्शन हुए ना वो यही हो सकते हैं, वो यही हो सकते हैं। मज़ा आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, गोमुख जा सकते हैं, ऐसे करीब 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है तभी जा पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मन है वो ये है कि यहाँ से कुछ और दूसरी जगहों पर चलें, गोमुख नहीं। अभी हम गंगोत्री धाम के जिस पॉइंट पर मौजूद हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर पांडव गुफा के लिए रास्ता है और सूर्य कुंड भी आगे ही मौजूद है। इधर गंगोत्री धाम है, भागीरथी नदी है, और इधर सामने की तरफ पांडव गुफा और सूर्य कुंड है। वहाँ से भी एक छोटी नदी आ रही है जो आगे जाके भागीरथी नदी में ही कनेक्ट हो रही है। देख लो खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। तो अभी हमने सारा सामान ले लिया है, निकलते हैं यहाँ से आगे। गंगोत्री धाम के मार्केट की अगर मैं बात करूं तो चारों धाम में गंगोत्री धाम का मार्केट सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर मैं रखूंगा बद्रीनाथ धाम के मार्केट को, काफ़ी अच्छा मार्केट है। लेकिन यहाँ के मार्केट में भी आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं खरीद सकते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। केदारनाथ में और यमुनोत्री में उतना अच्छा मार्केट नहीं है। भाई लोग पराठा खाने के लिए रुके हैं गंगोत्री धाम में, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठे, एक ढाबे पे। तो ये पराठा आ गया है, तंदूरी पराठा, आलू मटर की सब्जी। टेस्ट कैसा है जी? भाई साहब खाना स्वाद करा है, बाकी अभी चेक करें हैं। पराठा ठीक है, पराठा ठीक है, तंदूरी बाकी सब्जी का टेस्ट करके बताते हैं। कपाट का तो भाई हर्षिल आओ, गंगोत्री आओ, तो यहाँ के सेब जरूर खरीद के लेके जाना, बहुत बढ़िया खेती होती है सेब की यहाँ पर, हमने ले लिए हैं, वहाँ मिल रहे हैं, रेट भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। हर्षिल गंगोत्री से जस्ट निकले थे, और हर्षिल और दराली के सेब आप लोग जानते होंगे बहुत फेमस है, तो यहाँ से सेब खरीद लिए हमने, और सेब भी ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल, और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोग भी आते हो तो सेब जरूर ट्राई करिएगा, अभी आपको दिखाएंगे भी कौन सा एप्पल। हाँ बिल्कुल, और जो सीजन है ना अभी जुलाई अगस्त, इस सीजन में सेब खेती मतलब पीक पर होती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है उनकी, और अगस्त में तो बहुत अच्छा मोटा सेब बन के तैयार हो जाता है। टेस्ट भी बढ़िया है यहाँ के सेब का, और यहाँ के सेब पूरे देश भर में ना एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो जी ये है सेब हर्षिल का, गंगोत्री का, धराली का, तो टेस्ट करके बताता हूँ जरा कैसा है, मतलब भैया बहुत मीठा है। तो सेब पेड़ पर जड़े हुए हैं एकदम, अब मान के चलो जो ये जो सेब हम खा रहे हैं लगभग इन्हीं पेड़ों के हैं, वहाँ बेचे जा रहे हैं, यहाँ के बाग हैं। अगर आपका ड्राइविंग स्किल थोड़ा भी कमजोर होगा ना तो फिर फंस गए, ब्रेजा फंस गई, स्कॉर्पियो फंस गई, सेंटर देखो क्या धुआंधार निकल गया ये दोनों। हाँ
पास चलो, इसके लिए आप जाना कभी निकल जाए।